दीदी तुमको ना भैया, तुमको बहुत परेशान करता है जीजाजी, बहुत परेशान, इतना परेशान करते हमको बर्दाश्त नहीं हुआ है, तब हम सासुर से चल आए हैं। इसीलिए हम जो है सो ले जा रहे हैं तुमको एक बाबा के पास, ठीक है? अच्छा। बाबा देखता है वो नमक उमो को पढ़ता है और मथोहा देता है हमको, नमक से मतलब है, नमक जो है पढ़वाएंगे बाबा से और हमने जीजा को खिला दीजिए, और जीजा के खिलाओगे तो मन तुम्हारी तरफ रहेगा, फिर तुमको मानदान करेगा अच्छा से। नमक पढ़ा के खिलाएंगे पागल नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना, बाबा अच्छा बाबा है वो। अच्छा, तुमको जो इतना मारपीट करता है सुबह शाम सो, अच्छा लगता है तुमको मारपीट करने में? बोलो। से तो बहुत मारता है, देखबे करते है, मेरा जिंदगी नरक हुआ है। अरे कोई फूले देगा पढ़ करके उसको खिला देंगे, मत उसको सुधर जाएगा तो अच्छा से तुमको रखेगी, रखेगा बाबा। ठीक है, बाबा की बात बोलेंगे हम। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाबा की जय हो, नमः शिवाय। प्रणाम बाबा। शांति शांति, आराम से प्रणाम करो और यहाँ शांति से रहो। ध्यान में लगे, कोई दिक्कत नहीं बाबा? नहीं कोई ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा तो ऐसे ही तप करता है। अरे बाबा तुम लोग के लिए तो बैठता है, कल्याण करने के लिए बैठता है। बताओ समस्या। मेरी दीदी है, विवाह लगेगी। अच्छा हाँ, तो मेरा जीजा जो है ना सुबह शाम को बहुत जो पीटता है, समझे, अब भगा देता है, 8-10 दिन पर जो चली जाती है, दिक्कत होता है। तो हमको आपका आपका जो नाम सुने ना, तो सोचे कि आपसे कुछ जो है माथा तो दिया देंगे, नहीं तो नमक पढ़ा दे दीजिए। वो तो मेरा अंतिम काम है, पहले तो इसको देखने दो, हाथ दिखाओ तो। तू पति से मेल नहीं रहता बाबा, मेल नहीं रहता है ना। बहुत बहुत कष्ट है, मेल होने का कारण मतलब मेल जो नहीं होता है ये थोड़ा ज़्यादा बजती है, झगड़ोलू टाइप का है, मतलब जब इसका पति कुछ कहता है तो उसी पर चढ़ जाती है। नहीं बाबा, हम नहीं ज्यादा बोलते, हम ही को मारता पीटता है। हम समझ रहे हैं, और तुम जो है देवता पितर भगवान में विश्वास भी नहीं रखते? नहीं बाबा, बहुत विश्वास रखते हैं भगवान की, हम डेली पूजा करते हैं तब खाते हैं। देखो हम जो यहाँ कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, तुम्हारा जो हाथ का रेखा बता रहा है कि तुम जो है वो पूजा पाठ बहुत कम करते हैं, तुमको हर रोज जो है सुबह सुबह उठ करके भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, नहा धो करके खाना पकाना चाहिए। तुम क्या करती हो, नहाती धोती नहीं हो, सीधे खाना पकाने लग जाती हो? बाबा खाना बनाते हैं, पकाते नहीं है। वही पकाना खाना वही हुआ, बनाना हाँ। भी हुआ पकाना भी हुआ, तो वही ध्यान से करो, और रहा पति का बात, वो पति ठीक हो जाए, हो जाएगा ना बाबा। बहुत हम तुमको है जो है एक जरी देंगे, मतलब अच्छा। मिट्टी देंगे, वो मिट्टी घर पे ले जा करके क्या है नमक के साथ मिला देना है हाँ। और पानी में डाल देना है, वो पानी सुबह शाम तू पीना, नहा धो करके हम पियेंगे हाँ। अच्छा। जैसे बाथरूम जाती हो हाँ। तो बाथरूम जा करके घर में आराम से आकर के नहा धो लेना, पूजा हाँ। पाठ कर लेना और भगवान के नाम लेकर के 2 घूंट लगा लेना। अच्छा। मन शांत रहेगा और घर भी सुख शांत रहेगा। अच्छा, राधे कृष्ण के नाम। हाँ हाँ, समझदार है। और देखो हम तो कहते हैं कि इसको आप तुम अपना घर नहीं, इसको ससुराल लेके जाओ। अच्छा, डायरेक्ट पति के पास पहुंचा देते हैं, आराम से रह जाएगा, उसका पति का जो मति है हाँ। वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको जाते ही इसको हम दे रहे हैं हाँ। अंतर देंगे, जाते ही इसका पति जो है सुशील हो जाएगा हाँ। बदमाश भी होगा तो ठीक हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी होगा आपका। और एक बात और है, पति अगर कुछ बोले हाँ तो थोड़ा तुम चुप रहना बाबा। नहीं कुछ बोलते हैं तभी सासू भी नहीं देखना चाहती है। देखो देखने का कारण है, सेवा पानी करो, उसको सेवा करो सुबह शाम है बाबा, लेकिन तब भी नहीं वो मानती है। बड़ी दी आदमी को बहुत मानती है, हमको नहीं देखना चाहती है कभी नहीं, जब से शादी करके गए तभी से बाबा। देखो अपना घर में मेल रखोगी ना तो पूरे गांव से मेल रहेगा, इसीलिए जो हम कहते हैं वो करो बाबा। एक बात और है बाबा। हाँ बोलो बोलो। 3 साल इसका शादी का भी होगा बाबा हाँ। बच्चों ने हो रहा बाबा, अब हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा बाबा। भी हो जाएगा। इसको प्रेम से जाना, एकदम साफ सुथरा करके हाँ, जैसे जाना एक खान लेना ऐसे हाँ। नहीं, नहा धो के सुबह, ठीक है हाँ। और कल्याण होगा, तुम आराम से इसको ले जाओ पहुँचा देते हैं पास। बड़ी मेहरबानी होगा बाबा। बाबा मेरा घर बस जाएगा, आराम से बसेगा, आज के बाद कोई दुख नहीं होगा। ठीक है जाओ बाबा, विश्वास करो बाबा, जाओ ऊपर वाला पर विश्वास रखो, सब कल्याण करेगा। बहुत कष्ट था।